तो भाई लोगों, क्या हालचाल। मैं हूँ आपका दोस्त एम टी, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एम टी गेम स्टार जी। और ये वाली वीडियो के अंदर आप सभी लोगों को फिर से एक बार बताऊंगा क्रिकेट गेमिंग न्यूज़ के बारे में। और बता दूं आप सभी लोगों को कि क्रिकेट गेमिंग न्यूज़ में लाता ही हूँ, जिसके अंदर आप सभी लोगों को मैं जो है काफ़ी सारे गेम्स की जानकारी देता हूँ। तो आज भी आप सभी लोगों को काफ़ी सारे गेम्स की जानकारी मिलेगी, तो ये वाली वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। और हाँ भाई लोगों को बता दूं कि चैनल में न्यू हो, पहली बार आ रहे हो, तो भाई यार सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाले आइकन को दबा के ऑल पर सिलेक्ट जरूर से कर देना। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू कर देते। तो भाई लोगों, यहाँ पर सबसे पहले जो मैं न्यूज़ बताने वाला हूँ वो न्यूज़ है WCC2 की। अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया WCC2 के अंदर हमें एशिया कप का अपडेट देखने को मिलेगा या फिर नहीं, तो ये आप सभी लोग गलत सोच रहे हैं, क्योंकि WCC2 के अंदर अगर बाई चांस एशिया कप का अपडेट आया तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होने वाले। लेकिन मैं बता दूं कि इसके अंदर शायद आपको डायरेक्टली वर्ल्ड कप का अपडेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि WCC3 के अंदर भी हमें डायरेक्टली वर्ल्ड कप का अपडेट देखने को मिला है। तो शायद इसके अंदर भी देखने को, हालांकि कटसीन वगैरह ना देखने को मिले, बट रियल जर्सी वगैरह जो भी WCC3 के अंदर आई है वो देखने को 100% मिलेगी। दूसरी न्यूज होने वाली है यहाँ पर हमारे रियल क्रिकेट 22 के ऊपर। बता दूं कि रियल क्रिकेट 22 के अंदर वैसे तो OTA अपडेट आ रहे हैं, लेकिन अभी भी फैंस को चाहिए इसके अंदर बढ़िया सा एक अपडेट, और ये अपडेट आपको जो है वो वर्ल्ड कप के टाइम ही देखने को मिलेगा। अब बता दूं कि एशिया कप के दौरान जो है आपको जो अपडेट देखने को मिलेगा वो अपडेट इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं होने वाला है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो जो अपडेट है वो सिर्फ स्क्वाड अपडेट और एशिया कप से रिलेटेड ही होगा, ना ही कोई गेम के अंदर एनिमेशन वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ें आने वाली है। लेकिन हाँ मैं बता दूं कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि वर्ल्ड कप और एशिया कप के दौरान थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, जैसे कि न्यू वर्ड से कॉमेंट्री के, उसी के साथ ही आप सभी लोगों को यहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिलने वाली है जैसे कि न्यू कॉमेंट्री जो कि हमने एक वीडियो में देखी थी, एनिमेशन के अंदर भी एक न्यू एनिमेशन देखा था, बट वो सारी चीज़ें अभी शायद ना आए और आपको जो है वो सारी चीज़ें देखने को मिले वर्ल्ड कप के दौरान, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है। अभी जो है हम बात करेंगे ड्रीम क्रिकेट 24 के बारे में, और ड्रीम क्रिकेट 2024 से एक इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है जो कि है भाई यार इसकी तरफ से ऑफिशियली रिलीज डेट बाहर आ चुकी है, और गेम के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आने वाले हैं, जैसे कि ऑटो प्ले रन, हम अपने तरीके से रन वगैरह भाग पाएंगे वो भी कंपनी ने यहाँ पर ऐड कर देगी। उसी के साथ ही अब देखिए मैं आपसे बता दूं कि गेम आने में टाइम है, क्योंकि ये जो गेम है वो आने वाला है वर्ल्ड कप तक, तो तब तक आपको वेट करना है और गेम आपको वर्ल्ड कप के दौरान ही देखने को मिलेगा। बाकी देखते हैं अभी गेम कंपनी क्या कुछ करती है यहाँ पर, और काफ़ी सारे फीचर और काफ़ी सारे कटसीन के साथ ये गेम आएगा, और ड्रीम क्रिकेट भाई यार तहलका मचाने वाला है। आप सभी लोग क्या लगता है कमेंट सेक्शन बताना कि ड्रीम क्रिकेट 24 जो है वो गेम कैसा होगा और इसके अंदर क्या कुछ फीचर होगे, और जितने भी डाउट है जैसे टूर्नामेंट वगैरह, तो मैं बता दूं कि इसके अंदर शायद वर्ल्ड कप आ सकता है, क्योंकि गेम वर्ल्ड कप में आ रहा है तो आपको ये गेम वर्ल्ड कप के दौरान ही देखने को मिल रहा है, तो आपको वर्ल्ड कप का फ्यूचर जरूर से देखने को मिलेगा। अब देखिए ये थोड़ा सा मैं कंफर्मेशन नहीं बता रहा हूँ, बट शायद देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अगर वर्ल्ड कप के दौरान गेम ना आता तो आपको शायद मैं कुछ कह सकता था, बट अभी के समय पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जो गेम है वो आपको वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के साथ देखने को मिलेगा। आप देखते हैं क्या कुछ होता है, गेम आने के बाद पता चल जाएगा, और उसका रिव्यू भी मैं कर दूंगा। अभी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी जो कमेंट वगैरह आ रहे हैं रियल क्रिकेट 22 के बैटिंग टिप्स वगैरह, तो उसके ऊपर अभी मैं वीडियो नहीं लाने वाला हूँ, आपको बहुत जल्दी वीडियो देखने को मिलेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट उसके ऊपर थोड़ा सा काम चल रहा है तो वो वीडियो भी आ जाएगी। बाकी इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में न्यू आ रहे हो, पहली बार आ रहे हो, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाले आइकन को दबा के ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर देना। तब तक के लिए खुश रहना, ख्याल रखना अपना। जय हिंद, जय भारत।